प्रिय मुख्यमंत्रियों, अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवन हमारी सामूहिक प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र तथा राज्य सरकारों को मिलकर सार्वजनिक तथा निजी दोनों में निवेश के संकट को, जो कि अर्थव्यवस्था में उभर गया है, को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसको केंद्र अवसंरचनात्मक विकास में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश को सुप्रवाही करेगा। आप राजमार्ग तथा ग्रामीण सड़कों में हमारी ओर से की गई पहलों से पहले ही अवगत हैं। हमने रेलवे के कार्यकलापों में दीर्घावधि सुधार करने का भी निश्चय किया है। हमने अगले 5 वर्षों में खर्च करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की राशि की एक रेलवे सुरक्षा निधि की घोषणा की है। हम शीघ्र ही बहुत सी परियोजनाओं के जल्दी ही पूरा करने के लिए एक प्रमुख निवेश पैकेज जारी करने जा रहे हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग इस समय 461 परियोजनाओं को मॉनिटर कर रहा है, जिनकी लागत 100 करोड़ से भी अधिक है और गैर पूरा होने के विभिन्न चरणों पर है। उनमें से बहुत सी 10 वर्षों से कार्यान्वयाधीन हैं। केंद्र ने इन परियोजनाओं में से 100 को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है, जो शीघ्र ही पूरी की जा सकती हैं। इनके लिए आवश्यक निवेश उपयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। हमें अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई, कृषि अवसंरचना, पीने का पानी, शहरी अवसंरचना, राज्य राजमार्ग तथा जिला सड़कें, पुल निर्माण आदि के क्षेत्र में नई बैंक ग्राह्य परियोजनाओं की भी पहचान करनी होगी। वित्तीय क्षेत्रकों व बहुस्तरीय एजेंसियों में पर्याप्त संसाधनों से यह संभव होना चाहिए कि उपयुक्त वित्तीय तंत्रों का आविष्कार किया जा सके तथा इन परियोजनाओं को बिना किसी अतिरिक्त राजकोषीय दबाव के कार्यान्वित किया जा सके। आर्थिक विकास में तेजी पर बल देते समय दृष्टिकोण पत्र ने हमारे सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए अभिनव तथा और गैर आधुनिक प्रभावशाली तरीकों की आवश्यकता की तरफ ठीक ही इशारा किया है। यहाँ मुख्य बात कार्य क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ हमारे प्रचुर मानव संसाधनों के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी में गहराई लाना है। ऐसी भागीदारी संभव है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता के लिए यह आवश्यक भी हो गया है। दृष्टिकोण पत्र में अच्छे शासन के महत्व को ठीक तरीके से परिलक्षित किया है। हमने संस्थागत ढांचे को ऐसा बनाया है जो सभी आर्थिक क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करता है। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, बहादुर बनो और शेष सब कुछ तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा। साहस ही अन्य सभी गुणों की नींव है। प्रिय मुख्यमंत्रियों और वह लोगों को मूल सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं प्रदान करता है, जिसकी बहुत ऊंचे तक उपेक्षा की है। निष्पादन की उपेक्षा से आवंटनों में अत्यधिक निर्भरता से कोई लाभ नहीं हुआ है। परिणामों के लिए कार्यपालिका का होना आवश्यक है, ना कि बजटीय लक्ष्यों की प्राप्ति। चाहे हमारी वास्तविक अथवा सामाजिक आधारित संरचना का विकास हो, चाहे हमारा कल्याण अथवा प्रोन्नति कार्यक्रम हो, पिछली योजनाओं में हमने प्रमुख सबक बात कार्यान्वयन तथा अनुवर्ती कार्रवाई में पूरी कमियां रही हैं। इससे लोगों में अक्सर निराशा
एवं कटुता पैदा होती है। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मैंने कहा था कि केंद्र आगामी वर्ष को कार्यान्वयन वर्ष के रूप में बताएगा। आज मैं आप सबसे अपने अपने राज्यों में ऐसा करने का आग्रह करता हूँ। आइए एक साथ मिलकर हम कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के एक नए मापदंड स्थापित करने का प्रयास करें, जो एकमात्र योजना के दृष्टिकोण पत्र में स्थापित चुनौतीपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने की गारंटी दे सकता है। पिछले वर्षों में मुद्दों के आधार पर सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक मतभेदों को बहुत हद तक कम किया है। हम अपनी सामूहिक राजनैतिक इच्छा शक्ति के दृष्टिकोण पत्र द्वारा सिफारिश किए गए उपायों पर निर्णायक रूप से अग्रसर होने के लिए तत्पर हैं। आइए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठें और योजना के दृष्टिकोण पत्र में प्रस्तावित प्रस्तावों को अपना सामूहिक समर्थन प्रदान करें। आज हम योजना आयोग को ऐसा योजना दस्तावेज तैयार करने के लिए निर्देश दें जिसमें निष्पादन किए जाने वाले कार्यों और केंद्र, राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वहन किए गए अपने उत्तरदायित्वों का ब्यौरा हो। हम अपनी ओर निजी क्षेत्र को, नागरिक, सामाजिक संगठनों और सबसे बढ़कर लोगों की स्वयं की भागीदारी की मांग करें। प्रिय मुख्यमंत्रियों, पंचवर्षीय योजनाओं के तंत्र के माध्यम से भारत में नियोजित विकास की प्रक्रिया उस समय शुरू हुई थी जब इस समय की स्थिति से बहुत ही भिन्न थी। यह स्वाभाविक था कि केंद्र सरकार के अभिकरणों के माध्यम से राज्य क्षेत्रक देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। परिणामस्वरूप पिछली अर्धशताब्दी में पंचवर्षीय योजनाएं यह सोचकर बनाई गई थीं कि सरकार, विशेष रूप से केंद्र, महत्वपूर्ण और सर्व प्रभावकारी भूमिका का निर्वाह करे। भारत आज विशाल रूप से एक भिन्न देश है। हमारी राज्य सरकारों ने अब स्वयं से आयोजना और विकासात्मक कार्यकलाप तैयार किया है।